फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कशन करेंगे श्रेयस स्कीम्स के बारे में। सो ये बेसिकली एक स्कॉलरशिप स्कीम है, एंड ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये प्रोवाइड कराई जाएंगी स्पेसिफिकली एससी एंड ओबीसी स्टूडेंट्स को, सो एंड एसटी स्टूडेंट्स को भी एज वेल। सो वील सी वाई न्यू श्रेयस क्या है। श्रेयस में एक्चुअली चार सब स्कीम्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। आफ्टर दैट वील सी की और ऐसी कौन सी एजुकेशनल स्कीम्स हैं जो इंडिया में है अदर दैन द श्रेयस। देन वील बी डिस्कसिंग आर टूडेज प्रिलिम्स क्वेश्चंस, एंड वी हैव थ्री क्वेश्चंस इन द प्रिलिम्स सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट वाई न्यूज। स्कॉलरशिप्स फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम, ये इसका फुल फॉर्म है। ये बेसिकली एक कॉर्नर स्टोन रहा है भारत में जो एससी स्टूडेंट्स हैं और जो ओबीसी स्टूडेंट्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए, ताकि वो एक उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, खास करके हायर एजुकेशन में। तो श्रेयस क्या है, 2014 में ये इसको बेसिकली इनिशिएट किया गया था। इसमें चार सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है, उनके बारे में हम देखेंगे, जिसमें एससी स्टूडेंट्स को और ओबीसी स्टूडेंट्स को इसमें एम्पावर किया जाता है। ये एक अम्ब्रेला स्कीम्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आती है। सो श्रेयस जो है ये एजुकेशनल एम्पावर करता है ओबीसी स्टूडेंट्स को या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को। इसमें फेलोशिप्स अवार्ड की जाती हैं जिसमें क्वालिटी हायर एजुकेशन हो, इंटरेस्ट सब्सिडी होती है एजुकेशन लोन्स पर, ओवरसीज स्टडीज अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है। सब स्कीम्स की बात करेंगे तो चार इसमें सब स्कीम्स हैं। जो पहली है दैट इज फ्री कोचिंग स्कीम फॉर एससीज एंड ओबीसीज। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो हाई क्वालिटी कोचिंग इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो एससी और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको देना, तो वो कॉम्पिटिटिव ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो पार्टिसिपेट कर पाएँ, एडमिशन गेन कर पाएँ प्रेस्टिजियस टेक्निकल कॉलेजेस हैं या फिर जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईआईटी वगैरह की कोचिंग है, नीट की कोचिंग है, तो ये फ्री कोचिंग स्कीम है। देन फैमिलीज जो हैं जिनकी एनुअल इनकम अप टू 8 लाख रुपीज़ है वो इसमें एलिजिबल होते हैं। लगभग 3,500 स्लॉट्स केवल इसमें अवेलेबल हैं, एनुअली इसमें अलॉट किए जाते हैं, और स्टूडेंट्स का रेशियो 70% एससी एंड 30% ओबीसी के लिए है, और इसमें 30% जो सीट्स जो स्लॉट्स होते हैं इन स्लॉट्स में से वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होते हैं। सो दिस इज द केस। फंडिंग 2014 से 2022-23 तक लगभग टोटल 109.77 करोड़ रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, और लगभग 19,995 बेनिफिशरीज को इसमें बेनिफिट मिल चुका है। नेक्स्ट जो आता है दैट इज योर टॉप क्लास एजुकेशन फॉर द एससीज। ये सेकेंड सब स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव है बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट करना एससीज में, एससी स्टूडेंट्स में फाइनेंशियल सपोर्ट देना 12वीं क्लास के बाद के लिए, और एक उन लोगों को देना स्कॉलरशिप भी उनको जहाँ उनकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस हो, सो दैट दे कैन गेट एडमिशन इन द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस। टोटल फैमिली इनकम की जो सीलिंग है दैट इज 8 लाख पर एनम। एलोकेशन का बजट देखेंगे तो लगभग 21,500 स्कीम्स अब तक टोटल एलोकेट हो चुकी हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट में ट्यूशन फीस दी जाती है, एकेडमिक अलाउंस दिया जाता है, लिविंग एक्सपेंस दिया जाता है। इम्पैक्ट इसका देखेंगे तो लगभग 2014-15 से 2022-23 तक टोटल 43 करोड़ रुपीज इसमें रिलीज हो चुके हैं। बेनिफिशरीज लगभग 21,988 बेनिफिशरीज को अब तक फायदा हो चुका है। देन नेशनल ओवरसीज स्कीम फॉर एससीज इज देयर। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराना है जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं एससीज के या डी नोटिफाइड या नोमैडिक या सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के, बंजारा वगैरह में जो होते हैं, और बाकी जो डिसएडवांटेज कैटेगरीज हैं जिसमें ये जो स्पेसिफिक स्कीम है ओवरसीज स्कीम, ये अगर वो मास्टर्स करना चाहेंगे, ग्रेजुएशन के लिए नहीं है, जो अगर मास्टर्स और पीएचडी लेवल कोर्स वो एब्रॉड करना चाहेंगे तो वो इस स्कीम के अंदर कवर होगा। स्टूडेंट्स की जो टोटल फैमिली इनकम हो वो 8 लाख से कम हो पर एनम, अप टू 8 लाख पर एनम चल सकता है, एंड 60% से ज़्यादा उनके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हो, जो एग्जाम होता है 35 ईयर्स से कम एज होनी चाहिए, और जो एडमिशन होना एंड एडमिशन इसमें 5 बेसिकली जो रैंक्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं 500 ये इसमें एलिजिबल होते हैं। तो 500 ऐसे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं जहां क्वालिटी एजुकेशन बच्चे ले सकते हैं मास्टर्स और पीएचडी में अंडर दिस नेशनल ओवरसीज स्कीम फॉर द एससीज। प्रेजेंटली 125 स्लॉट्स ही इसमें दिए जाते हैं पर एनम। सो स्कीम ट्यूशन फी कवर करेगी आपकी, मेंटेनेंस एंड कंटीजेंसी अलाउंस देगी, वीजा फीस भी देगी और ट्रेवल एक्सपेंसिस भी देगी अवॉर्डीज के लिए। फंडिंग 2014-15 से 2022-23 तक टोटल 197.14 करोड़ रुपीज इसमें अब तक लग चुके हैं, एंड लगभग 950 बच्चों को अब तक फायदा हो चुका है। ये फोर्थ सब स्कीम है और लास्ट सब स्कीम है इसकी, दैट इज नेशनल फेलोशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स।
ये जो फेलोशिप है ऐसे स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए, जैसे अगर वो एमफिल करना चाहें, पीएचडी करना चाहें साइंस ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में इंडियन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, तो ये उसके लिए है जिनको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रिकॉग्नाइज करता है। ये जो स्कीम है ये लगभग 2000 न्यू स्लॉट्स इसमें पर ईयर प्रोवाइड कराती है ये, जिसमें से 500 जो स्लॉट्स होते हैं वो साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए और 1500 ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के लिए। एलिजिबिलिटी स्टूडेंट्स को जो नेट जीआरएफ होता है, विच इज द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये उनको क्वालिफाई करना चाहिए एंड जूनियर रिसर्च फेलोज फॉर द साइंस स्ट्रीम। फंडिंग की बात करेंगे तो ये जो फेलोशिप है स्टूडेंट्स को असिस्ट करेगी अपने एकेडमिक परस्यूट करने के लिए, जो फीस वगैरह सारी चीजें इसमें कवर होंगी। सो अदर एजुकेशन स्कीम्स की बात करेंगे तो नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम श्री स्कूल सा दे, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप इज देयर, स्वच्छ विद्यालय अभियान, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सा दे। देन प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, व्हेन डिड द श्रेयस स्कीम लॉन्च? 15 जनवरी 2000, 27 फेब 2000, 27 फेब 2019, नन ऑफ द अबव। यू कैन टाइप द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। वी हैव आवर सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द रेफरेंस टू द श्रेयस स्कीम फॉर एससी एंड ओबीसी एजुकेशन आर करेक्ट? सो योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द फ्री कोचिंग स्कीम फॉर द एससीज एंड ओबीसीज एम्स टू प्रोवाइड कोचिंग टू इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड एससी एंड ओबीसी कैंडिडेट्स। योर सेकंड स्टेटमेंट इज द नेशनल फेलोशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स कवर्स स्टूडेंट्स परस्यूइंग एमफिल पीएचडी डिग्रीज इन द साइंस एंड ह्यूमैनिटीज ओनली। थर्ड, द टोटल इनकम सीलिंग फॉर मोस्ट सब स्कीम्स अंडर द श्रेयस इज 8 लाख पर एनम। सो यू हैव द ऑप्शंस, यू कैन टाइप द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, द लिटरेट इन इट्स करेक्ट और नॉट। देन वी हैव अ मेन सॉरी थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडे सीरीज, दैट इज व्हाट इज द टारगेट ऑफ दिस स्कीम? टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, टू प्रोवाइड अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज, टू कवर द 50 लाख स्टूडेंट्स बाई 2022 एंड बोथ बी एंड सी। सो दिस इज द केस। So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Little Stylus for better preparation.